वनमंडल देवास के अंतर्गत इको पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से सतवास के चंद्रकेशर बांध स्थित वन रोपणी पर स्कूली विद्यार्थियों के लिए वन अनुभूति कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को वन्य जीव जंतुओं के बारे में जानकारी देकर उनकी जिज्ञासाओं को भी शांत किया गया। यह आयोजन बागलिया SDO अमित सोलंकी की विशेष उपस्थिति में जिनवानी वन परिक्षेत्र अधिकारी ब्रजेंद्र तिवारी द्वारा शासन के निर्देश अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं का अनुभूति कैंप आयोजित किया गया। अनुभूति कैंप में बच्चों को सुबह के चाय नाश्ते से लेकर भोजन तक की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में वन समिति अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य रमन कलम, सरपंच प्रतिनिधि सचिन जायसवाल अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मास्टर ट्रेनर सतवास रेंज अधिकारी विधि सिरोलिया ने बच्चों को शिक्षक बनकर वनों के जीव जंतु वनस्पति की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में डिप्टी रेंजर अशोक दुबे, श्रीकांत दीक्षित, भागीरथ टाटू सहित वन विभाग एवं जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका मौजूद रहे। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार स्वरूप प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए। बट एनिमल्स वगैरह जो भी हमारे लो लेवल के ट्रॉपिक लेवल के एनिमल्स रहते हैं, उनको खाते पूरी फूड चेन मेंटेन करते हैं। आजकल बाघों की पोचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, हमें इसको रोकना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे सरकार ने कदम भी उठाए, हमें इसमें सपोर्ट करना चाहिए, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। थैंक यू। इस कार्यक्रम के समापन के लिए मैं हमारे वन परिक्षेत्र अधिकारी महोदय तिवारी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि वो दो शब्द कहें। अनुभूति कार्यक्रम के उपलक्ष में सभी नवोदय के जो बच्चे आए, तो कैसा लगा आपको सबको? यह हमारा जो कार्यक्रम है, ये वन परिक्षेत्र जिनवानी के अंदर का आयोजित किया गया है। इसमें मैंने आपको सबको अपना नंबर दिया हुआ है, अगर कभी कुछ भी वन से संबंधित आपकी जागरूकता हो, कोई जरूरत हो या कोई भी कार्य हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं सीधे। उसके बाद इस कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि माननीय रमन जी, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल द्वारा अनुभूति का प्रोग्राम पूरे मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में देवास वन मंडल की जिनवानी रेंज में आज अनुभूति का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 9 से 11 तक के बच्चों को अनुभूति का प्रोग्राम हम लोगों ने आयोजित करवाया, जिसमें वन्य प्राणी एवं वनों से के संरक्षण संवर्धन एवं नर्सरी टेक्निक, इसके अलावा वन विभाग के बारे में जानकारी दी गई। दोपहर न्यूज़ के लिए कांटा फोर्ट सतवास से द्वारका शर्मा की रिपोर्ट।